भगवान राम और रावण के बीच के प्रसिद्ध युद्ध और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए अस्त्रों शस्त्रों और बाकी चीजों के बारे में तो चर्चा होती ही रहती है और उनसे जुड़े कई रहस्य भी हमारे सामने खुलते ही रहते हैं। लेकिन इस बीच आज भी कई ऐसे रहस्य आज भी हमारी आंखों से छुपे रह जाते हैं जिनके बारे में हमें रामायण में थोड़ा बहुत ही जिक्र मिलता है, और रामायण के बाद उनका क्या हुआ, वो कहां गए, उस जगह का क्या हुआ, ये एक गुमनाम रहस्य ही बनकर रह जाता है। और उन्हीं रहस्यों में से एक है मेघनाथ की गुफा भी, जिसके बारे में और जिससे जुड़े हुए रहस्य बहुत कम लोग ही जानते हैं। और अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि यहां हम आपको बताएंगे मेघनाथ की गुफा से लेकर उससे जुड़े हुए हर एक रहस्य के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन मंदिरों की एक नगरी बैतूल बाजार के भवानीपुरा में निकुम्बाला देवी का मंदिर स्थित है, जिसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं सामने आती हैं। ये वही निकुम्बाला देवी का मंदिर है जहां पर मेघनाथ अपनी घोर तपस्या कर रहा था। अगर उसकी ये तपस्या पूरी हो जाती तो उसे रामायण के युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता था, और ये बात विभीषण बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने समय रहते भगवान राम को ये बात बताई थी, जिसके बाद तपस्या करते हुए ही उसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया और उसकी तपस्या अधूरी रह गई और उसे अमरत्व का वरदान नहीं मिल पाया। ये देवी रावण कुल की देवी है। आज भी देवी के इस स्वरूप को नगर की रक्षिका के रूप में माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि मेघनाथ ने माता को अपनी भक्ति से खुश किया था और बैतूल से आगे छिंदवाड़ा के पाताल कोट के रास्ते पाताल लोक गया था, जहां उसकी मुलाकात दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हुई थी और उसने अपने आदर भाव से दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न कर लिया था। तब उन्होंने मेघनाथ को यह आज्ञा दी थी कि वो मां निकुम्बला की आराधना करें। मेघनाथ ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उनसे एक गुप्त मंत्र भी सीखा। आज भी माता की ये मूर्ति काफी चमत्कारी लगती है, क्योंकि इनकी मूर्ति में बनी हुई इनकी आंखें आज भी इतनी चमकीली लगती हैं कि कोई भी भक्त ज्यादा देर तक इनकी आंखों में देख नहीं पाता है। देवी का ये मंत्र इतना चमत्कारी है कि कई अघोर साधक माँ के इस मंदिर में अपनी कई साधनाएं पूरी करते हैं, और कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये बैतूल जिला एक समय पर दंडकारणी क्षेत्र था, जहां का राजा मेघनाथ था, और इसीलिए यहां मां निकुम्बला के मंदिर होने पर कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता है। यहां पर होली के समय में मेघनाथ की एक विशेष तरह की पूजा की जाती है और उसकी याद में एक भव्य मेले का भी आयोजन होता है। अब बात करें अगर मेघनाथ को इंद्रजीत कहने के बारे में, तो जब ये स्वर्गलोक से इंद्र भगवान को कैद करके ले आया था, उस वक्त स्वर्गलोक की व्यवस्था चरमरा गई थी। ऐसे में भगवान ब्रह्मा को मजबूरी में मेघनाथ के पास आना पड़ा था, और उसकी वीरता की तारीफ करते हुए ब्रह्म देवता ने मेघनाथ को इंद्रजीत नाम दिया था। साथ ही ये भी आशीर्वाद दिया था कि वो जब भी अपने कुल की देवी यानी कि निकुम्बला देवी की आराधना करेगा तो उसे एक दिव्य रथ भी मिल जाएगा, जिस पर सवार होकर वो किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकेगा और कोई उस रथ पर सवार रहते हुए उसे मार नहीं सकेगा। इस मंदिर और मेघनाथ को लेकर कई तरह की मान्यताएं लोगों के बीच में फेमस हैं, जहां कुछ शोधकर्ताओं का ये मानना है कि यही वो गुफा है जहां पर मेघनाथ ने अपनी साधना की थी जो अधूरी रह गई थी, तो वहीं कुछ शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि मेघनाथ ने ये साधना श्रीलंका के एक गुप्त गुफा में की थी, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उन लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर निकुम्बला देवी की एक मूर्ति भी मौजूद है, जिसकी अपनी साधना के दौरान मेघनाथ ने पूजा अर्चना की थी। अब इन दोनों बातों में से कौन सी बात सही है, हो सकता है हमें भविष्य में और सबूत के बाद पता चल सके। वैसे क्या आपको इस गुफा के बारे में पहले से पता था, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अपलोड किए गए किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सके।